दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये देश, हमारा समाज सिर्फ एक बड़ी महामारी से निपट नहीं रहा है, एक महामारी के संकट से ही केवल नहीं गुजर रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि हर रोज हम हादसों से गुजरने के लिए मानो अभिशप्त हो गए हैं। दुर्घटनाएं, हादसे हमारा लगातार पीछा कर रहे हैं, लेकिन ये दुर्घटनाएं, ये हादसे महज संयोग नहीं है। हम इनको ये नहीं मान सकते कि ये यूं ही होने वाली दुर्घटनाएं हैं। अब उत्तर प्रदेश के औरैया में आज सुबह तड़के 3:30-4 के बीच में जो कुछ हुआ है, आप उसे क्या कहेंगे? ठीक है, ये एक सड़क दुर्घटना है, लेकिन जो श्रमिक मारे गए हैं, जो मजदूर मारे गए हैं, जो लौट रहे थे, वो किन परिस्थितियों में और क्यों उस तरह से जा रहे थे ट्रकों पर भर करके? एक ट्रेलर ट्रक था और एक लारी दूसरी तरफ से आ रही थी, दोनों की बहुत भयानक टक्कर हुई और उसमें 24-25 मजदूर मारे गए हैं। 24 किसी एजेंसी ने 24 संख्या दी है, कुछ एक ने 25 दी है, लेकिन इससे भी ज्यादा संख्या ये बढ़ सकती है, आशंका है इस बात की, क्योंकि 35 से 38 लोगों के बुरी तरह घायल होने की खबर है। और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो वहां के हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि कम से कम 35 लोग बुरी तरह घायल हैं। हमारा ये कहना है कि ये उस तरह की दुर्घटनाएं नहीं हैं जो हमने पहले देखी हैं, ये एक खास परिस्थिति में हो रही हैं। इसके पहले हमने 16 लोगों को देखा था जब वो औरंगाबाद के एक रेलवे ट्रैक के पास पटरी पर वहां पर एक मालगाड़ी की चपेट में आ गए थे और सारे लोग मरे थे, सारे लोग वहां पर मौत के घाट चले गए थे। तो ये जो 16 लोगों की वहां पर मौत हुई थी, हमने उसके बाद भी देखा कि एक जगह मध्य प्रदेश में 8 लोग और उत्तर प्रदेश में 6 लोग, 14 लोग मरे थे एक ही दिन। तो इस तरह की घटनाएं और दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं और छिटपुट जो लोग मर रहे हैं रास्ते में, दम तोड़ रहे हैं, जो पानी बिना, खाने बिना, बीमारी के चलते, और कई लोग हाँफते हाँफते चलते चलते मर जाते हैं। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये कोई महत संयोग से होने वाली दुर्घटना नहीं है, ये कोई दुर्योग नहीं है, ये निश्चित रूप से जो परिस्थितियां हमारे समाज में पैदा हुई हैं, कोरोना हमने पैदा नहीं की है, कोरोना किसी ने नहीं पैदा की है, सरकार ने भी नहीं, कोई नहीं कह सकता कि कोरोना के लिए सरकार जिम्मेदार है। निश्चित रूप से पूरी दुनिया मानती है कि ये वायरस जो है वो जिस तरह से पूरी दुनिया को आक्रांत किए हुए है, उसमें शायद किसी का वश नहीं है। भले ही आरोप प्रत्यारोप कोई लगा ले कि वायरस यहां से आया वहां से आया, लेकिन वायरस ये माना जा रहा है तमाम वैज्ञानिकों की तरफ से कि ये वायरस जो है वो किसी लैब में नहीं आया, किसी लैब की तरफ से नहीं आया। अगर भविष्य में कोई वैज्ञानिक जांच होगी तो वो अलग विषय है, लेकिन हमारा ये कहना है कि कोरोना एक महामारी है जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ये जो महामारी के दौरान हमारे देश में देखा जा रहा है, हादसे पर हादसे, दुर्घटनाओं पर दुर्घटनाएं, मौतों पर मौतें, और ये कोरोना की मौतें नहीं है, ये कोरोना के दौरान स्टेट ने, हमारी राज्य सत्ता ने जो फैसले किए हैं, जो निर्णय लिए हैं, जिस तरह का उन्होंने लोगों पर आदेश थोपा है, ये उनकी वजह से उस अफरा तफरी में लोग मारे जा रहे हैं और कोई इंतजाम नहीं, कोई प्रबंध नहीं, और जिस तरह के मैनेजमेंट अरेंजमेंट का अनाउंसमेंट भी बाद में हुआ है वो बिल्कुल नाकाफी है। और दोस्तों, बिल्कुल संक्षेप में मैं आपको बताऊं कि मजदूरों को लेकर, खासकर जो उनकी जो बद इंतजामी है, जो बेहाली है, उस पर एक याचिका पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कल ही एक जो जजमेंट दिया और जो उसमें फैसला सुनाया याचिका को खारिज करते हुए, उसमें एक सेंटेंस बहुत आज कोटेबल कोर्ट है, अखबारों में भी छपा है, आपने सुबह देखा होगा, और उसमें कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है, और एग्जैक्ट चूंकि कोर्ट का मामला है तो मैं कोट करता हूं, जो इंडियन एक्सप्रेस में खबर है और दूसरे और भी अखबारों में उसका जो हिंदी तर्जुमा बनता है, और कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी है वो यूं है, अंडर कोर्ट, कोई रेल पटरी पर सोएगा तो उसे मरने से कौन रोक सकता है।
ये औरंगाबाद के पास जो ट्रेन दुर्घटना में 16 लोग मारे गए थे उनके बारे में टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है दोस्तों। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो वहां के जजेज हैं, जो माननीय न्यायमूर्ति हैं, उनके ऑनर में मैं तनिक भी उनके ऑनर में तनिक भी किसी भी तरह की कमी किए बगैर मैं कहूंगा कि योर ऑनर, जो ये आपका कमेंट है वो निश्चित रूप से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमने एक कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखा कि वो लोग रेल पटरी पर क्यों गए होंगे, किस तरह से वहां लेट गए होंगे, कैसे उनको नींद आ गई होगी। क्या हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि वे नहीं पढ़े लिखे लोग, बिल्कुल अनपढ़ किस्म के मजदूर गरीब लोग, शायद उनको ये भी ना मालूम रहा होगा कि रेल पटरियों पर अगर हमारी रेल नहीं चल रही है पैसेंजर्स ढोने वाली, तो मालगाड़ी जारी है, माल की ढुलाई जारी है, कारोबार एक सीमा तक चालू है, लोगों को ले जाने के लिए, ले आने के लिए रेलें नहीं है, लेकिन मालों की, कारोबारियों के मालों की ढुलाई के लिए वो चल रही है, भले ही उनकी संख्या कम हो गई हो। ये मजदूरों को नहीं मालूम रहा होगा हुजूर, और ये कारण है जिसकी वजह से, और भी बहुत कारण हो सकते हैं लेकिन उसमें एक बहुत बुनियादी कारण है। तो ये एक टिप्पणी थी, बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत ही मैं समझता हूं कि हैरतअंगेज। लेकिन आज जब हमने देखा कि जो औरैया में जो दुर्घटना हुई है जिसमें 24-25 लोगों के मारे जाने की सूचना है, उस पर आज जो भारत सरकार है, जो अन्य सरकारें हैं, जो उनकी प्रतिक्रिया जिस तरह की आई है, मैं समझता हूं कि वो बेहद न केवल ना काफी है बल्कि बताती है कि कहीं ना कहीं हमारी संवेदनाएं कुंद हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, वो मृत प्राय हैं। अब हमने देखा कि आज चौथे दिन भी हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उनकी जो धारावाहिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका चौथा एपिसोड हमने देखा, वो चौथा खंड उसका देखा, और इस चौथे खंड में बहुत सारी बातें उन्होंने की, लेकिन प्रवासी मजदूरों के लिए क्या किया हम सब जानते हैं, अब तक भारत सरकार ने क्या किया है। और आज हमने कोयला क्षेत्र के बारे में, कल उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के नए कानून का एक बताया था कि नया कानून आने जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की, और आज जो उन्होंने जो कहा है कि कोयला से लेकर के और डिफेंस उत्पादन बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे नए रिफॉर्म्स की बात उन्होंने की है, तो अचरज की बात है कि ऐसे महामारी के दौर में और महामारी के साथ ही जो ये संकट प्रवासी मजदूरों का है, जो आजादी के बाद का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है, और लोगों का तो ये माना जा रहा, लोग तो ये मान रहे हैं कि उस वक्त भी इतना बड़ा पलायन नहीं हुआ था जितना आज हुआ है, उस दौर में ऐसा लगता है कि हमारी जो सरकार है वो पूरे क्षेत्र जो पब्लिक सेक्टर है, जो जितना हमारी अर्थव्यवस्था में जो कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव है उसको भी पूरी तरह मटियाबेट करना चाहती है। ये अवसर उसने चुना है ऐसे प्रो कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स के लिए, ये भी एक हैरतअंगेज बात है दोस्तों। इस बीच में एक और खबर है जो मुझे लगता है कि इन तमाम बुरी और चिंता जताने वाली खबरों के बीच में एक थोड़ी सी हल्की सी एक अच्छी खबर उत्तर प्रदेश से आई है कि जो वहां का इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें एक पिटीशन वर्कर्स फ्रंट की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी, और उस याचिका की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार काफी दबाव में आई, और उस दबाव के तहत ही उसने कोर्ट को सूचित किया है कि जो उसने 8 घंटे से 12 घंटे काम कराने का मजदूरों से जो अध्यादेश जारी किया था उसकी उसके उस प्रावधानों को वो निरस्त करेगी, और निरस्त करने का ऐसा आश्वासन बताया जाता है प्रेस रिलीज जो जारी हुई है वर्कर्स फ्रंट की तरफ से, और अखबारों और न्यूज एजेंसी पर जो खबर है और कोर्ट में जो सबमिट किया गया परिपत्र है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उसमें ये बात कही गई है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल वर्कर्स फ्रंट की तरफ से ली गई और जिसकी सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार भी दबाव में आई। और दूसरी एक और खबर इससे जुड़ी है कि जो देश के तमाम बड़े ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जो पिटीशन किया था कि भारत में किस तरह से जो लेबर रिफॉर्म्स हो रहे हैं महामारी के दौरान, वो न केवल बहुत ही प्रतिक्रियावादी, बहुत ही गलत और एंटी वर्कर हैं, बल्कि समूची जो हमारी कामयाबी अब तक रही है लेबर मूवमेंट की
और मानवीय स्तर पर भी जो बहुत बेहतर रही है उसको ये बिल्कुल ध्वस्त करने की एक कोशिश है। उस पर हेग्स में जो अवस्थित इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है उसने भी एक सूचित किया है, उसने भी ये कहा है कि भारत की सरकार को इस तरह से नहीं काम करना चाहिए। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, खासकर जो वर्किंग क्लास है, जो वर्कर्स हैं, वो जो स्टेक होल्डर्स उनके हैं उनसे जरूर बातचीत करके, संवाद करके इस तरह के फैसले किए जाने चाहिए, इस दिशा में कुछ भी सोचा जाना चाहिए। तो ये कुछ बातें थीं। लेकिन फिर हम लौटते हैं और अपनी बात खत्म करते हैं कि प्रवासी मजदूरों को लेकर, आम लोगों को लेकर, किसानों और तमाम जो निम्न मध्यवर्गीय लोग हैं उनको लेकर इस वक्त महामारी के दौरान जिस तरह का रोल, जिस तरह की भूमिका, जिस तरह का रवैया न केवल सरकार का, न केवल हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि जो सरकार चलाते हैं, न केवल उनका बहुत ही दुर्भाग्यजनक नजर आ रहा है, बल्कि जितनी स्टेट की जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने महत्वपूर्ण जो पिलर्स कहे जाते हैं हमारे लिए कि हमारी हमारी व्यवस्था के पिलर्स जितने हैं, उन सब का कोई भी ऐसा पिलर नहीं है जहां से कोई रोशनी नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि इस हमारे समूचे समाज में गरीबों को लेकर, जो बेहाल लोग हैं उनको लेकर एक अंधियारा सा छाया हुआ है। लेकर ले देकर इन व्यवस्थाओं में, ये जो संस्थाएं हैं इनमें हो सकता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति स्तर के लोग हैं, यानी एक एक व्यक्ति या एक एक इंडिविजुअल, सिर्फ उनकी एक भूमिका कहीं अगर पॉजिटिव है तो वही एक रोशनी है जो कहीं ना कहीं रोशनी दिखाई दे रही है। चाहे हम 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 बड़ी संस्थाओं को ले लें, मीडिया को ले लें, या किसी भी दूसरे और व्यवस्था और अपने अपनी अपनी समाज व्यवस्था के दूसरे हिस्सों को ले लें, तो एक बड़ी अजीब स्थिति अपने देश में इस वक्त दिखाई दे रही है। हम नहीं जानते कि इस अध्याय का अंत कैसे होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.